अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपके साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट माश की दाल। माश की दाल जो है वो कई तरीक़ों से बनती है। कुछ मसाला भून के बनाते हैं, कुछ येलो कलर की ढाबा स्टाइल होती है और कुछ वाइट कलर की पठान होटल की तरह की ढाबा स्टाइल होती है। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ वो पठान होटल की ढाबा स्टाइल माश की दाल है, जो कि हम हाईवेज पे खाते हैं। और आपको मैं रेसिपी देती हूँ, ये बिल्कुल सेम रेसिपी है जो कि किसी भी पठान होटल के ढाबे पे आपको मिलेगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। पूरी रेसिपी में आपने मेरे साथ रहना है और हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले हमने अपने लिए एक पतीली ले लेनी है इस रेसिपी को बनाने के लिए, और हमने चूल्हे को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी आपने उतना लेना है जितनी आपने दाल ली है, उसका डबल पानी होगा। यानी कि आपने जिस मेजरमेंट कप से दाल ली है 250 ग्राम्स, तो वो आपने उसी तरीके से 2 ग्लास पानी लेना है जैसे हम चावलों के लिए लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जो है पानी को शामिल कर देंगे, और इसके अंदर हमारी 1 घंटा भीगी हुई दाल जो है, इस तमाम दाल को हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बॉईल करनी है हमने दाल अपनी, और इसको हमने फुल डन करना है, सिवाय बस एक कनी थोड़ी सी छोड़नी है ताकि वो जब हमारा कुकिंग प्रोसीजर दूसरा शुरू हो तो वो उसके अंदर बन जाए, ठीक है। ये हमारी दाल इसके अंदर आ गई। अब हम इसको जो है पकाएंगे थोड़ी देर के लिए कि इसके अंदर एक बॉईल आ जाए। जब इसके अंदर एक बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसकी झाग उतारनी है और इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। ये जी, दाल मेरी को उबाला आ चुका है। इसके ऊपर अभी एक ये मैल सा आ जाता है, हमने सबसे पहले इस मैल को उतारना है। ये हम वाइट दाल बना रहे हैं और इसके अंदर ना हमने प्याज शामिल करनी है ना इसके अंदर हल्दी शामिल होगी, और ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। ही मेरे पास 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे पास लहसुन और अदरक कुटा हुआ है, इसके अंदर से आधा जो है वो मैं अभी डालूँगी और आधा मैं इसमें बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो ये लहसुन अदरक डाल के और ये तमाम चीज़ों को डाल के हम इसको कवर कर देंगे, और इसको हमने इसके गलने तक पकाना है। इसमें तकरीबन 20 से 30 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में, उस हिसाब से आपकी ये दाल जो है वो गल जानी चाहिए। तो ये दाल गल जाती है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये जी, दाल को मैंने अपनी आधा घंटा प्रेशर दे दिया, दाल मेरी मुकम्मल तौर पे गली हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की गली हुई है। आपने इसमें अगर ये थोड़ा सा पानी भी हो तो उसे छोड़ना है, क्योंकि इसने अभी मसाले के साथ भी पकना है। तो जो ऊपर से हम डालें इसके फ्लेवर्स जो हैं वो इसके अंदर हैं, तो ये इसी में पक जाएगी। ये देखें, ये बिल्कुल नरम दाल है, और हम इसको जो है अब ये देखें, इसको अब हम मसाले के साथ बनाएंगे, और फिर इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। अपनी दाल को बहुत ही मज़ेदार सा हम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, और इसके अंदर हमने ऑयल शामिल करना है। आइडियली ये दाल जो है ये घी में बनती है, आप चाहें तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं। मैं ऑयल में बनाऊंगी, लेकिन ऑयल मैंने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 1 कप से ज़्यादा जो है वो ऑयल ले लिया। उसके अंदर अब मैं सबसे पहले डाल दूँगी ये लहसुन अदरक जो मेरे पास कुटा हुआ था, मैं इसको शामिल करूँगी। ये जो माश की दाल होती है ना, ये बड़ी सख्त और शकील दाल होती है, तो इसको हज़म करने के लिए इसमें अदरक का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लहसुन भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन अदरक का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही इसकी थोड़ी सी खुशबू इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। मेरे पास 1 टमाटर है, ये मैंने काट के रखा हुआ है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास 1 टीस्पून जीरा है, जीरा भी आ जाएगा इसी में। इसका हमने एक अच्छा सा मसाला बनाना है। इसमें प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी, और इसके अंदर हल्दी भी इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि हम वाइट दाल बना रहे हैं। इसके बाद ये मेरे पास कुछ मिर्चें हैं, 7-8 मिर्चें साबुत हैं, गोल मिर्चें, ये आपने ऐसे ही डालनी है, क्योंकि हमने बीच में ग्रीन चिलीज़ भी डालनी है। ग्रीन चिली मेरे पास 2 कटी हुई हैं, जिसमें से मैं एक थोड़ी सी जो है मैं इस टाइम डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने गार्निश के लिए रख ली है। इसको हम अच्छी तरह इस तरह करके भूनेंगे। नमक हमारा जो है ऑलरेडी दाल के अंदर मौजूद है, और दाल में से ही हम थोड़ा सा पानी लेंगे,
और इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। जैसे ही हमारे ये टमाटर थोड़े से नरम होते हैं तो मैं इसके अंदर फिर अपनी दाल को जो है वो मैं शामिल करूँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी दाल बनती है। इसको आप अचार के साथ और सलाद के साथ सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही मेरा थोड़ा सा मसाला भुनता और टमाटर नरम होते हैं फिर हम इसका सेकंड प्रोसीजर करते हैं। दाल हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मसाला भुन गया है। अब आप अगर ये मिर्चों को तोड़ना चाहें तो ऐसे करके इनको तोड़ भी सकते हैं, एक आधी को। अगर आप लोग कम मिर्चें खाते हैं तो बेशक आप इसको ना तोड़ें, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपनी ये दाल शामिल करने लगी हूँ। दाल के अंदर पानी था इसलिए मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी अब नहीं डाल रही। अब दाल जो है मेरी इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से जो है वो पक जाएगी। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी अदरक जो है वो और इस टाइम पे शामिल कर रही हूँ। ये मैंने जुलियन कट अदरक ली है। अब जो दाल में अगर थोड़ी बहुत कोई कसर होगी या इसके मसाले के फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे हैं तो वो फिर इस टाइम पे वो पूरे हो जाएंगे। तो इसको मैं दम पे रखूँगी 5 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पाँच से 10 मिनट आप अपने इस दाल को जो है वो मसाले के साथ पकाएंगे तो इस तरह इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। ये कम्प्लीटली डन हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करके बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप अपनी जो दावतें होती हैं उसमें भी एक वाइट डिश रख सकते हैं इस तरह इस दाल की, और ये खाने में बहुत ही लजीज और मज़ेदार है। तो जी, हमारी ये वाइट माश की दाल जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। और हाँ जी, जाते जाते आपको बताऊँ, बेल आइकन बटन जो है वो भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम रेसिपीज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।